नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, शांति सुदामा ट्रैक्टर्स, शांति सुदामा मोटर्स, शांति सुदामा इंडियन गैस सर्विस, UFL फाइनेंस बैंक आजमगढ़, जिसके चेयरमैन हैं दीपक राय व संस्थापक हैं सच्चिदानंद राय। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने आज नगर पालिका का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। उनका एक दिन का वेतन रोकने का आदेश के साथ ही स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। मंडलायुक्त ने कहा कि शहर की साफ सफाई की व्यवस्था सही सुचारू रूप से हो, इसके लिए सफाई कर्मियों को एरिया वाइज स्थान चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ सफाई इंस्पेक्टर को भी हिदायत दी गई है कि वह सुबह शाम सफाई का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि जो सफाई कर्मी अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें मंथली या तिमाही सम्मानित किया जाए, वही जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं उन्हें दंडित किया जाए। मंडलायुक्त ने अधिशासी अधिकारी को आदेश दिया कि वह सुबह शाम अलाव जलाने की व्यवस्था करें, जिससे आम गरीब व गरीब आदमी इस ठंड में कुछ राहत पा सके। क्या कुछ कहा मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने, आपको सुनवाते हैं। मैं आज निरीक्षण करने आया, मेरा मुख्य ध्येय आज यहाँ निरीक्षण करने का, जो यहाँ की सफाई व्यवस्था है उसका एक बार मॉनिटरिंग करने का था। उसी क्रम में मैंने यहाँ सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं उनसे भी बात की, और अब मैं जरा एक दो जगह फील्ड इंस्पेक्शन करने जा रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ, और ऐसा होना भी चाहिए, कि जो जितने भी हमारे सफाई कर्मी हैं उनका सफाई का स्थान है वो चिन्हित होना चाहिए, और उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इस एरिया से इस एरिया तक सफाई की जिम्मेदारी उनकी है। और जो इनके ऊपर जो सफाई नायक हैं उनकी जिम्मेदारी ये रहनी चाहिए कि कौन हमारे सफाई कर्मचारी किस समय पहुँचे हुए हैं, किस समय उनकी अटेंडेंस लगी हुई है, उसको वहाँ पे वो अटेंडेंस लगाएं। और यदि सफाई ढंग से नहीं हो रही है तो फिर संबंधित की जिम्मेदारी तय करी जाए। मैं इनसे ये भी अनुरोध करने कर रहा हूँ कि जिन एरियाओं में सफाई अच्छी हो रही है, जहाँ सफाई कर्मचारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको मासिक रूप में या त्रैमासिक रूप में उनको पुरस्कृत भी करें, उनका सम्मान भी बढ़ाएं, जिससे कि जो अच्छे काम कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़े, और जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं उनको हिदायत मिले और दंडित हों, जिससे कि वो भी प्रेरित होकर आगे से अच्छे काम करें। हाँ, तो वही सफाई के बारे में ही मैं अभी इंस्पेक्शन करने भी जा रहा हूँ देखने के लिए, और कुछ नागरिकों से मैं बातचीत भी करूँगा, उनसे फर्स्ट हैंड फीडबैक लूँगा कि उनके क्षेत्र में कैसी सफाई हो रही है, कब कब सफाई कर्मचारी आते हैं नहीं आते हैं। और मैंने यहाँ पे जो सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं उनको जिम्मेदारी दी है कि वो आने वाले 10 दिन पे रोज़ाना ये निरीक्षण करेंगे सुबह शाम, और मुझे शाम को रिपोर्ट प्रेषित करेंगे कि इन्होंने कहाँ कहाँ क्या करा, कैसा करा, काम करा। और इसी 10 दिनों में रोज़ाना ईओ नगरपालिका भी निकलेंगे सुबह शाम और सफाई व्यवस्था को देखेंगे। सर, ठंडक बढ़ गई है, अलाव भी नहीं जलाया जा रहा नगरपालिका द्वारा, तो ये आज शाम जहाँ जहाँ अलाव जलेगा उसकी फोटो आप इन लोगों को भी देंगे और हमें भी देंगे, ठीक है। सर, आपके द्वारा कोई कड़ी कार्रवाई जी इस कमी से मिली सर? तो अभी यहाँ पे कुछ कमियाँ मिली हैं, जैसे जो रिकॉर्ड जिस तरह से मेंटेन होना चाहिए था वो मेंटेन नहीं है, तो अभी इनको हिदायत दी गई है कि ये अपना 10 दिन के अंदर अपने रिकॉर्ड को सुधारें, और 10 दिन तक हम भी लगातार फील्ड में देखेंगे और दोनों की 10 दिनों तक रिपोर्ट लेंगे, और 10 दिन में यदि अपेक्षित सुधार नहीं होता है तो जो सफाई इंस्पेक्टर्स यहाँ पे हैं उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई इनके खिलाफ प्रस्तावित कर दी जाएगी। अटेंडेंस से क्या स्थिति रही? अटेंडेंस में कुछ लोग मिसिंग हैं, क्या कितने लोग मिसिंग में मिले हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? जो यहाँ पे एब्सेंट रहेंगे उनका वेतन रोका जाएगा और उनसे स्पष्टीकरण लिया जाएगा। जैसे कि एक अभी आपने देखा था सफाई इंस्पेक्टर थे वो बाहर चले गए हैं, हैं? चार लोग एब्सेंट यहाँ पे मिले हुए हैं। कितने दिनों से एब्सेंट थे? तो ये कितने दिनों से वो इनसे पूरा जिन इनका वेतन रोका जाएगा, और जितना अगर इनका स्पष्टीकरण ये नहीं माना जाएगा संतोषजनक तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाएगी।